मॉर्निंग यूकेजी, आज हमारे राइम्स की क्लास है और आज राइम्स की क्लास में हम करने वाले इंग्लिश राइम्स। अच्छा, जो राइम्स मैं आपको सुनाती हूँ, सिखाती हूँ, विदक्षण सिखाती हूँ ना, आप दीदी भैया पापा सबको बोल बोल के सुनाते हैं, सबको सुनानी बोल बोल के, क्योंकि राइम्स की क्लास में पता है ना क्लास में कितना एंजॉय करते हैं, तो आपको इस क्लास में भी एंजॉय करना, बहुत मजा आने वाला है। और हमारी आज की राइम्स है बिट्स ऑफ पेपर, ठीक है, सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ पेपर lying on the floor, lying on the floor, make them place untidy, make them place untidy, pick them up, pick them up। तो ये rhymes किसके बारे में थी, आप पेपर फाड़ के अगर फर्श पे डालते हो तो क्या होता है, उससे फर्श पूरा गंदा हो जाता है, तो उससे गंदा दिखने लगता है, उसे हमें क्या करना चाहिए, उठा लेना चाहिए। चलिए फिर से हम क्या करते हैं इस rhymes को, ठीक है, bits of paper, paper के टुकड़े, bits of paper lying on the floor, lying on the floor, make them place untidy, make them place untidy, pick them up, pick them up। तो ये क्या थी हमारी इंग्लिश की राइम थी, once more, repeat once more, सारे बच्चे बोलेंगे एक बार फिर से, bits of paper, paper के टुकड़े, lying on the floor, यानी फर्श पर पड़े हैं, make them place untidy, और जो जगह है उसको क्या कर रहे हैं, वो गंदा कर रहे हैं, गंदे दिखते ना जगह जहाँ पे हम कागज के टुकड़े डाल देंगे ना, make them place untidy, pick them up, pick them up। ठीक है, ये हमारी क्या थी इंग्लिश की राइम थी, सभी बच्चे से दीदी भैया पापा सबको बोल बोल के सुनाएंगे, क्योंकि राइम्स की क्लास में मजा आता है, सब बच्चे बोलेंगे, और पेरेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे से राइम्स जरूर सुने, क्योंकि राइम्स सुनने से क्या होता है, राइम्स की क्लास हम लोग इसलिए करवाते हैं कि बच्चों की भाषा पर पकड़ अच्छे से बने, बच्चे पूरे पूरे सेंटेंस प्रॉपरली बोलने लगे। बाय बेटा।